सभ्यता से वो कह रहे हैं मुनकर ने हदीस कहते हैं जो पांचों वक्त के जो नमाज के औकात हैं टाइमिंग है वो कुरान से साबित हैं, तो फिर बिला उजर जो है वो नमाज जमा नहीं की जा सकती। साबित नहीं। वलीद भाई मैं आपका वो सारा सुन रहा था, डॉक्टर जाकिर नायक का वाला दे रहे थे मेरे भाई, मैंने डॉक्टर जाकिर नायक की वीडियो देखी है। आप जरा खुद ईमानदारी से सूरह हूद पढ़े, सूरह ताहा पढ़े, सूरह बनी इसराइल, कहां पांच नमाजों की टाइमिंग आई हुई है यार। एक जगह बल्कि तो सिर्फ जिक्र करने का आया, नमाज का जिक्र ही नहीं उसके अंदर आया हुआ, और बाकी जगह जो नमाज का है वो भी मक्की सूरतें हैं। मक्के मक्के में तो नमाज फर्जी नहीं हुई भी थी, चले हम मान लेते हैं कि वो नमाजों से मुतल्लिक है। वो तो मेरे भाई ये है कि सूर्य ढलने से लेकर उस वक्त तक नमाज कायम रखो, लेकिन वो उसमें जो तफसीलात तो नहीं है कि कितनी नमाजें हैं वो दिन के दोनों किनारों के ऊपर और रात के औकात के अंदर भी। ये तो चूंकि हमें पांच पता है तो हम कहते हैं अच्छा इससे मुराद ये बनता होगा, उधर ये बनता होगा, जरबे तकसीमें लगाई हुई है। ये हदीसों के बगैर और इजमा और अमली तवातुर के बगैर कुरान से कहीं पांच नमाजें इस तरीके से साबित नहीं होती है। वो चूंकि हमें पता है तो उसकी बुनियाद पर हम डिसाइड कर रहे होते हैं। आप खुद पढ़ के देख ले, मतलब मैं अब देखिए हमको पागल तो नहीं है ना। आप सूरह हूद का हवाला दिया जाता है सबसे ज्यादा जी, सूरह हूद पढ़ के देख ले आप। सूरह हूद सूरत नंबर है 11, उसके एंड पे जाके ये आयत आती है औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर है 114, वह अकीमिस सलाता तरफ़ैन नहार, और दोनों दिन के जो दोनों सिरे हैं उन पर नमाज को कायम रखो। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं सुबह और शाम, कितनी रखते हैं, दिन के दोनों किनारे कौन से, यानी मगरिब ग़ुरूब आफ़ताब के फौरन बाद पढ़ो और वहां से सूरज निकलने से जस्ट पहले पढ़ो, तो कहेंगे नहीं 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 वो तो आपने देने में पढ़नी है, तो वो तो नहीं लिखा हुआ, किनारे तो फिर यही बनते हैं। ये हम खाम खा धक्के से साबित करते हैं। वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के हिस्सों में, रात के कौन से हिस्सों में, मतलब मिड राइट में पढ़नी है, मगरिब के फौरन बाद पढ़नी है, आखिरी समय पढ़नी, कौन सी नमाज, कितनी नमाजें, क्या रखते हैं, क्या कुछ भी नहीं, बस बाकी दिन की नमाजों का तो इसमें जिक्र ही कोई नहीं। ये तो है कि दिन के दोनों किनारों पे रखो और रात में, दिन के दोनों किनारों पे हो सकती है इधर मगरिब उधर फजर, और रात में चले ईशा, जोर असर तो जिक्र ही नहीं इसके अंदर मौजूद। क्यों यार आप लोग अपने आप को धोखा देते हैं, आप लोगों के कोई सामने जो है वो कोई एक चूहा छोड़ता है तो आप आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़ते हैं, इस तरह तो ना किया करो यार। बिल्कुल वाजे चीजें मौजूद हैं, आप खुद एक बार तर्जमा पढ़ के देखें। चूंकि अच्छा यहाँ पे आया ये सूरह बनी इसराइल, वह अकीम सलात अली दुरू की शम्स, आयत नंबर 78, सूर्य ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ो, कितनी नमाजें पढ़ो, इन्होंने पता है ब्रैकेट में क्या लिखा है, जोर असर मगरिब इशा, भाई ये तो कौन नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा है सूर्य ढलने से यानी निस्फुन नहार क्रास होने से लेके गुरूब होने तक नमाजें पढ़ो, कितनी पढ़ो, एक दो तीन चार कितनी पढ़ो, कोई पता नहीं है। वो चूंकि हमें पता है कि जोर असर है इसलिए हम कहते हैं ये आ गया, और रात ढलने तक में उन्होंने मगरिब इशा भी दाखिल कर दी है, तो वो तो चूंकि आपको पता है तो आप बीच में दाखिल कर रहे हैं, कुरान में तो कोई नहीं लिखा हुआ, इतना जुल्म तो ना करो यार, कुरान की तारीफ तो ना करो। अच्छा फिर सूरह ताहा लेके आते हैं, सूरह ताहा भी पढ़ के आप देख लें, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। सूरह ताहा के बिल्कुल एंड में वस्बिर अला मा यकूलून, सब्र कीजिए जो ये आप को तकलीफ देते हैं आपके बारे में जो कुछ कहते हैं, आयत नंबर 130, वसब्बिह बिहमदि रब्बिक, और तस्बीह कीजिए हमद के साथ अपने रब की, इसमें नमाज का तो जिक्र ही नहीं है, नमाज का लिखा हुआ है, ये तो तस्बीह करने का जिक्र है, फिर भी आपने धक्के से बनाना है तो बना ले, जो कि तारीफ करनी कुरान की तो बेशक करते रहे। कबला तुलू शम्स, सूरज तुलू होने से पहले, वो कबला गुरूबी हा, और गुरूब होने से पहले दो नमाजें आ गई, असर और फजर। वमिन आना लैल, और फिर रात की घड़ियों में भी कितनी नमाजें, कोई पता नहीं, वो कहेंगे नहीं शाह वो तो आपको पता है तो इसलिए कह रहे हो ना। फसबिह व अतराफन नहार, और अल्लाह की तस्बीह करें और नहार के दोनों तरफ, अब नहार के दोनों तरफ तो एक इशराक की नमाज पढ़ती है, दूसरी तरफ जोर की बनती है, क्योंकि नहार तो सेंटर में होता है, दोनों तरफ तो तब बनेंगे, इधर आप इशराक की नमाज, नहार के बाद तो जोर का वक्त दाखिल होता है, असर फिर फारिग हो जाएगी और जोर आएगी और इशराक की नमाज, तो ऐसी फर्ज कोई नहीं, कहीं से भी नहीं बनता मेरे भाई, क्यों अपने आपको धोखा दे रहे हैं, खुद पढ़े आयात। मैं सवाल आप कर रहे थे, मैं हंस रहा था कि यार आप लोग खुद अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें जी। नेक्स्ट